आजकल हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि बॉलीवुड एक्टर्स नशे के मकर जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ड्रग एंगल की जांच पड़ताल में दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल प्रीत के नाम के साथ साथ कुछ मेल एक्टर्स के नाम भी सामने आए। पर आज हम उन एक्टर्स की बात करेंगे जो बॉलीवुड के इस कीचड़ में भी कमल के फूल की तरह खिले हुए हैं। फिटनेस की बात करें तो अक्षय कुमार का नाम ना सामने आए ये तो हो ही नहीं सकता। इस खिलाड़ी कुमार की लाइफ पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड है और उन्होंने इस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ किया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एक्टर जॉन अब्राहम भी स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर ही रहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे एक्टर और मॉडल ही नहीं बल्कि युवाओं के रोल मॉडल भी हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ड्रग अल्कोहल और स्मोकिंग जैसी चीज़ों से हमेशा दूरी बना के रखी है। रिश्ते और ओहदे की बात करें तो इनका कद है सबसे ऊंचा और नाम है शहनशाह। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने कभी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल ही नहीं किया। तभी तो वो 77 की एज में भी हैप्पी, एनर्जेटिक और लाइफ से भरपूर हैं। यूनियर बच्चन भी अपने पापा के पद चिन्हों पर चलते हुए कभी भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करते। देओल खानदान में सनी देओल ही ऐसे हैं जो शराब के नशे को छूते तक नहीं हैं। टाइगर श्रॉफ भी जिम फ्रीक हैं और अपने अमेजिंग डांस स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। वो भी क्लीन और हेल्दी स्टाइल को ही तवज्जो देते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा व आयुष्मान खुराना युवाओं के आइकॉन हैं। ये दोनों भी पूरा वर्कआउट करते हैं और ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग व लेट नाइट पार्टीज से परहेज ही रखते हैं।